Which is your next exam now, Sara? When? On 6th. Prepared? Because we've not covered it. Okay, so what you do is बच्चे आप अभी आज का दिन और कल अच्छे से पढ़ लो. संडे को आई विल टेक लाइक योर डाउट क्लास इफ यू विल हैव एनी डाउट्स. ऑलराइट बच्चे, मार्केटिंग पे थे. मार्केटिंग कितने दिन से हम कर रहे हैं है ना, बट अब इसको खत्म करते हैं. वी वर डूइंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हमने डायरेक्ट चैनल लिखा था और इनडायरेक्ट. देखो यहीं तक किया था लास्ट क्लास में, फिर हमने वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था आपका सैम्पल पेपर. यस, तो वो सैम्पल पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है, उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. समृद्धि, अथर्व, तो वन लेवल चैनल हमने लिख लिया था. नाउ वी आर ऑन टू द टू लेवल चैनल. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. दिस इज अ टू लेवल चैनल. ज्यादातर ये किस में यूज होता होगा विषय? सॉरी, एग्रीकल्चरल गुड्स. एग्रीकल्चरल में तो जैसे पेरिशेबल तो नहीं, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ज्यादा. सोप, चिप्स, ऑयल, दिस नॉट ब्रेड बटर मोस्टली, बिकॉज वो थोड़े से खराब हो जाते हैं. फिर भी ब्रेड बटर भी काफी दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट होता ही है, उसकी शेल्फ लाइफ भी कुछ दिन तो होती ही है. सोप्स, नोटबुक्स, पेन्स, ये सब ज्यादा इनमें बड़ा चैनल यूज होता होगा. राइट समृद्धि? दिस इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. फॉर मोस्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप्स, ऑयल्स, क्लोथ्स, राइस, शुगर एंड पल्सेस. समझ ही सकते हो आप, जब वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना है. एफ एम सी जी, यस यू कैन से एफ एम जी. एफ एम सी जी मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस टाइप के फास्ट मूविंग. शेल्फ लाइफ ज्यादा है, ज्यादा बल्की भी नहीं है. ओके, अगर आप मार्केटिंग पे प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे, और आप डिसाइड करोगे कस्टमर के लिए क्या प्राइस होगा, रिटेलर के लिए क्या प्राइस होगा, होलसेलर के लिए क्या प्राइस होगा. हर किसी के लिए अलग-अलग होगा ना. यस, यूज ऑफ टू मिडिल मैन इन द चैनल. इन द चैनल नेटवर्क अनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू कवर अ लार्ज मार्केट प्लेस. टू कवर अ लार्ज मार्केट प्लेस, मार्केट एरिया. यस, ये तो हम समझते हैं. देन द लास्ट वन, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर,
कंज्यूमर, बीच में एजेंट्स भी आ जाते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर कहता है कि मुझे, मैं होलसेलर्स को कैसे अप्रोच करूं, मुझे तो पता ही नहीं है होलसेलर्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो एजेंट्स को हायर कर सकता है। मतलब एजेंट्स यू हैव टू सी कि किस किस होलसेलर को हमने सामान भेजना है, बिकॉज वी डोंट नो कि होलसेलर्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो एजेंट बीच में एक और इंटरमीडियरी हो सकता है, राइट? थ्री लेवल चैनल, एजेंट्स को ये ब्रोकर्स भी कह रहे हैं। ब्रोकर्स ऑफ कोर्स दे विल चार्ज कमीशन फॉर देयर सर्विस। सो इन दिस केस मैन्युफैक्चरर्स यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट्स और ब्रोकर्स हु कनेक्ट देम विद होलसेलर्स एंड देन द रिटेलर्स। दस वन मोर लेवल इज एडेड टू द लेवल्स डिस्कस्ड इन द प्रोसीडिंग अरेंजमेंट। इट इज डन पर्टिक्युलरली व्हेन द मैन्युफैक्चरर कैरीज अ लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन एंड हैज टू कवर अ वाइड मार्केट। एन एजेंट इन ईच मेजर एरिया इज अपॉइंटेड हु इन टर्न कॉन्टैक्ट द होलसेलर्स। ठीक है। अच्छा, लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन का मतलब जैसे मैगी की बात करें, अब मैगी के पास तो खुद ही होलसेलर्स पहुंच जाएंगे। यस, खुद ही आ जाएंगे वो तो, भाई हमें दे दो सामान अपना। बट अगर आपका लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन है, मतलब आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है या लिमिटेड ही उसकी अभी रेप्यूटेशन है, तो यस, इन दैट केस दिस चैनल यू कैन यूज। एजेंट के थ्रू आप होलसेलर्स तक पहुंचाएं। यस, इन दिस केस मैन्युफैक्चरर्स यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट्स और ब्रोकर्स हु कनेक्ट देम विद होल सेलर्स एंड देन रिटेलर्स। And then the retailers. It is done particularly when the manufacturer carries a limited product line. बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं है या बहुत ही, मतलब क्वांटिटी भी कम है आपके प्रोडक्ट्स की, तो आप एजेंट्स अपॉइंट करो, वो जाके प्रॉपर समझाएंगे होलसेलर को कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, आपको ये रखना चाहिए अपने पास, यू शुड सेल इट, इसमें आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, जाके उनको समझाना पड़ेगा। देन एंड हैज टू कवर अ वाइड मार्केट ऑफ कोर्स, एंड हैज टू कवर अ वाइड मार्केट। हर एरिया में एजेंट अपॉइंट कर दिया जाता है और फिर वो आगे होलसेलर्स को कॉन्टैक्ट करता है। एन एजेंट इन ईच मेजर एरिया is appointed who in turn contact the wholesalers। ठीक है विषय, ओके। आई टेक अ लिटिल शॉर्टर क्लास टुडे विषय, क्योंकि आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी संडे को, ठीक है? तैयार रहना, बिकॉज एनीवे कल भी क्लास नहीं हो पाई थी बिजनेस की, राइट? तो जो भी सूटेबल, ओके दैट्स फाइन, वी कैन कीप इट आफ्टर 4। ठीक
तो एक क्लास हम कर लेंगे, लाइक अ लिटिल लॉन्गर क्लास, सो दैट हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, टाइम हमारा सही चल रहा है, वी आर ऑन टाइम, बट स्टिल वी विल टेक वन क्लास. ओके, अब हमारा लास्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज प्रमोशन. राइट विशी, प्रमोशन में हमें करना है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पैप्स, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स प्रमोशन, और एक पब्लिसिटी भी होता है, बट वो ना हमें सिर्फ एक बस ऐसे रीड करना है एक बार, ये आपको ज्यादा नहीं करना है. पब्लिसिटी ये है ज्यादा, ये लिख लो, फिर मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ एक बार. पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन. प्रमोशन कैसे करें अपने प्रोडक्ट की, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. बाकी एलिमेंट्स आपको पता ही है, 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, दिस इज द लास्ट. ओके, रिटन इज प्रोग्राम, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट, यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, सो इट्स अ प्रोजेक्ट, सो इट्स अ प्रोग्राम. ओके ओके, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, अभियान की हिंदी ही एक्चुअली इट्स लाइक अ, अभियान की हिंदी नहीं, सॉरी, अभियान की इंग्लिश क्या होगी एक बार, वैसे मतलब प्रॉपर इंग्लिश क्या होगी अभियान की? सम स्कीम ना, सम प्रोग्राम, जैसे नेशनल एजुकेशन स्कीम, ऑल दीज थिंग्स. तो ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनमें खुद के टाइमलाइंस होती हैं, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, ऑल दीज स्कीम्स. ऑलराइट, सो ये हमारा प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस मैंने आपको बताया. कई बुक्स में आपको पब्लिसिटी भी देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली वो सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि पब्लिसिटी क्या होता है वैसे, बट आपको प्राइमरीली ये 4 करने हैं. ठीक है, ओके वैसे तो अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, पर्सनल सेलिंग एक बड़ी कन्वेंशनल चीज हो सकती है, जब घर घर जाके लोगों को बताओ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट खरीद लो. क्या आज के समय में ये इतना पॉपुलर है? यस, नॉट वेरी. बिग सिटीज में तो भूल ही जाओ कि घर पे आके कोई आपको कहेगा अच्छा ये हम एक जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, ये आप खरीद लो, ये बहुत अच्छा है. नो, स्मॉलर सिटीज में हो सकता है टू सम एक्सटेंट होता हो, जैसे कारपेट्स आते हैं रोड पे, दे वॉन्ट टू सेल द कारपेट्स, तो वो आपके घर आके कारपेट्स दिखाते हैं इफ यू वॉन्ट टू बाय, और सम क्लोथ्स, मे बी लेडीज सूट्स और समथिंग. इन स्मॉलर सिटीज इट मे स्टिल हैपन, बट इन बिगर सिटीज तो इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. बट पर्सनल सेलिंग फिर वो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, आज के समय में हमें उनको यही पढ़ाना चाहिए जो रेलिवेंट है. अगर ये रेलिवेंट ही नहीं है तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? ये थोड़ा अलग सेंस में समझो. मान लीजिए आपको कॉल्स आते हैं कि आपको बैंक लोन चाहिए. वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी इग्नोर सच कॉल्स एंड वी से नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए. बट अगर कोई बोले नहीं हमें चाहिए बैंक लोन, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो दे से ओके हम आपके घर आके आपको पूरा समझा के जाते हैं. देन दे कम टू योर होम एंड देन दे एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द स्कीम्स एंड द पॉलिसीज, एंड फिर वो कहते हैं अच्छा अब हम, अगर आप रेडी हो, हम आपके घर आके ही सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज भी कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम आपके घर से आकर ही ले जाएंगे. ऐसा होता है. देन मान लीजिए इसी तरह से इंश्योरेंस, कोई कॉल आता है आपको कि आपको इंश्योरेंस चाहिए पॉलिसी, तो
इफ यू से येस वी वॉन्ट टू नो अबाउट इट, तो जैसे हम आपके घर आके आपको पूरा समझा के जाएंगे एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय द पॉलिसी. तो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग येस इज समथिंग दैट हैपन्स दैट इज रेलिवेंट. तो आप इसको उस सेंस में भी समझ सकते हो. दैट इज ऑल्सो पर्सनल सेलिंग. आजकल तो बैंक मैनेजर खुद घर आ जाते हैं आपको लोन्स के बारे में समझाने, क्योंकि उनको भी इतने सारे टारगेट्स मिले होते हैं, उनको भी पूरा करना होता है, ज्यादा से ज्यादा उनको लोन्स देने हैं क्योंकि टारगेट मिला हुआ है उन्हें, ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है. तो दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज पॉपुलर इन दैट सेंस दैट दे कम टू योर होम और ऑफिस एंड देन दे एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, राइट. सो इसमें होता है ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. प्रोस्पेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, अभी बने नहीं है. यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम, यू आर एक्सप्लेनिंग देम अबाउट द गुड और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स. यहां तक लिखे, ओके. इसके फीचर्स क्या है, देखो ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल फॉर्म है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग होता है, कॉन्वर्सेशन होती है, इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड. क्या एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता है जो टीवी में एड आ रही है, इज दैट अ पर्सनल फॉर्म? नो, दैट्स कंप्लीटली इम्पर्सनल. तो ये पर्सनल होती है बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग. Direct face-to-face dialogue that involves an interactive relationship, that involves an interactive relationship between the seller and the buyer. और एक सेकेंड फीचर, दो ही फीचर्स हैं इसके, डिवेलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. डिवेलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर पे वो आपको आए समझाने लोन के बारे में या इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और बातों ही बातों में यू नो कई बार ऐसे होता है, अच्छा आप भी उस सिटी से बिलोंग करते हैं, हम भी उस सिटी से बिलोंग करते हैं, यू नो कई बार ऐसे होता है एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप बन जाता है समटाइम्स. फिर आप कहते हो अच्छा ठीक है चलो जो भी आपकी डील होती है, फिर आप कभी कभी उनको वैसे भी फोन करते हो कि अच्छा हमारे किसी और नॉन पर्सन को लोन चाहिए, आप उनको भी क्या लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनका नंबर भी सेव कर लेते हैं अपने फोन में, वी कॉल देम, कभी बाद में फिर से लोन चाहिए तो वी अप्रोच देम. ऐसा हो सकता है that some sort of a relationship, personal relationship gets developed. जैसे मैंने बोला बातों ही बातों में आप इधर उधर की भी बातें शुरू कर देंगे, थोड़ा एक friendly सा आप rapport create करने की कोशिश करते हैं, and then later on also you might approach them for कि अच्छा मेरे भाई को भी loan चाहिए तो आप आके समझाएं उन्हें भी, you know, things like that. So personal relationship भी डिवेलप हो सकता है एंड दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि उनको सेल करना है, तो वो भी आपको बड़ा फ्रेंडली सा बिहेवियर शो करेंगे एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेल्स. पर्सनल सेलिंग अलाउज अ सेल्स पर्सन टू डिवेलप
पर्सनल रिलेशनशिप्स विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स विच मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल विच मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल ओके चलिए जी आज के लिए मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ एंड सारा विल शेयर द पेपर विद यू ऑन द ग्रुप यू हैव टू डू दैट एज होमवर्क एंड वी आर गोइंग टू डिस विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स विच मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल विच मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल ओके राइट विशेष सो इन द कमिंग वीक वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर यस यस आई एम प्रोबेबली टेकिंग इट अथर्व यू कैन अटेंड राइट यू डोंट हैव योर मैथ्स क्लास टुडे प्रोबेबली सारा यू कैन ऑल्सो अटेंड एट 8:30 Yes, we are going to have it.